डॉक्टर निशा मंगल जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन किट्स के बारे में। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो फर्टाइल डेज़ के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। फर्टाइल डेज़ किसी भी फीमेल के जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके वो डेज़ होते हैं जबकि उसे मैक्सिमम चांस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। अगर आपका 30 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो फर्टाइल डेज़ आपके 12वें से 18वें दिन के बीच में होंगे। ये जो काउंटिंग है डेज़ की 12 से 18 दिन की, ये हम हमेशा पीरियड स्टार्ट होने से काउंट करते हैं। जैसे जिस भी दिन आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है उसे हम डे वन ऑफ मेंसेस कहते हैं, उससे हम 12 दिन काउंट करेंगे और 12 से 18वें दिन के बीच में हम नेचुरल ट्राई करेंगे। इस फर्टाइल पीरियड के अंदर भी एक ड्यूरेशन या एक टाइम होता है जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन टाइम। ओव्यूलेशन का मतलब है आपकी अंडेदानी या ओवरी जो है उससे जब आपका अंडा रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जब ये अंडा रिलीज होता है इसको हमारा जो फेलोपियन ट्यूब है वो पकड़ती हैं और उसे बच्चेदानी तक लेके जाती हैं। अगर उस दौरान स्पर्म भी यूट्रस के अंदर होता है तो एग और स्पर्म की मीटिंग होती है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है। तो जो ये ओव्यूलेशन टाइम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। अगर हम किसी भी तरीके से इस ओव्यूलेशन टाइम को जान पाएँ तो हम हमारे प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस हैं उनको मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो जो ओव्यूलेशन किट है, ये ओव्यूलेशन किट हमारे जो ओव्यूलेशन टाइम है उसको प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इनकी हेल्प से हम वो प्रॉपर जो ओव्यूलेशन का टाइम है वो पता लगा सकते हैं और हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओव्यूलेशन किट क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है LH हार्मोन। LH हार्मोन का एक बेसिक लेवल तो हमारे ब्लड में हमेशा बना रहता है, पर जैसे ही ओवरी के अंदर अंडा बन के बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, मतलब बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो हमारे ब्रेन से इस LH हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है, मतलब एक बहुत बड़े अमाउंट में जो है LH हार्मोन रिलीज होता है। इस एक्सेसिव रिलीज को हम बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज जो है ये बेसिकली ओवरी को सिग्नल देता है कि अब एग बन के तैयार हो गया है और अब उसे रिलीज़ करना है। तो LH सर्ज के ठीक 24 से 48 घंटे के बाद में ओवरी से एग रिलीज़ होता है, जिस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो अगर हम LH सर्ज को डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब 24 से 48 घंटे के अंदर जो है ओव्यूलेशन हो जाएगा और उस टाइम पर हमारे प्रेग्नेंट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। जो ओव्यूलेशन किट है इसका बेसिक होता है ओव्यूलेशन के टाइम पर LH सर्ज को डिटेक्ट करना। जब भी LH सर्ज होता है तो उस टाइम पे LH हार्मोन ब्लड में बहुत ज़्यादा होता है और उसी टाइम पर ये यूरिन में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट होता है। तो ओव्यूलेशन किट से आप LH सर्ज को डिटेक्ट कर सकते हो और उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब LH सर्ज पॉजिटिव आया है तो अब ये 24 टू 48 आवर्स में हमें ओव्यूलेशन होगा और उस टाइम पे हमें ज़रूर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। किट टेस्टिंग में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको अपना साइकिल लेंथ मालूम होना चाहिए। साइकिल लेंथ का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होता है। जब भी आपको पीरियड स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग का पीरियड है वो डे वन ऑफ पीरियड होता है, मतलब फर्स्ट डे होता है मेंसेस का, तो आपको अपने दो साइकिल्स के जो फर्स्ट डे हैं उनके बीच में जितना गैप है वो आपका साइकिल लेंथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लास्ट साइकिल जो है वो 7 सितंबर को आया है और इस बार आपको साइकिल 5 अक्टूबर को आया है, तो इसका मतलब आपका साइकिल लेंथ जो है 7 सितंबर और 5 अक्टूबर के बीच में 28 दिन है, तो आपको साइकिल लेंथ 28 दिन का हुआ। अगर लास्ट साइकिल आपको 7 सितंबर को आया, इस बार भी आपको 7 अक्टूबर को आता है, तो आपका साइकिल लेंथ जो है वो 30 डेज का हुआ। तो इस तरीके से हम अपना साइकिल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। साइकिल लेंथ आपका 28, 30, 31, 32 कितना भी हो सकता है। सेकेंड स्टेप आता है कि हमें ये टेस्ट जो है कब से स्टार्ट करना है। जो LH टेस्ट का बॉक्स होता है उसमें 5 स्ट्रिप आती हैं, तो आपको डेली LH किट का एक स्ट्रिप यूज़ करना होता है। तो ये आपको जो डेली यूज़ करना स्टार्ट करना है ये कौन से दिन से शुरू करना है, इसकी कैलकुलेशन के लिए जो भी आपका साइकिल लेंथ है उसमें से आप 17 दिन माइनस कर दें और जो दिन आता है उससे आप डेली LH किट से टेस्ट करना स्टार्ट कर लें।
जैसे अगर आपको 30 डेज का साइकिल है तो उसमें से 17 माइनस करेंगे तो 13th डे से आपको LH किट से टेस्टिंग जो है डेली आपको स्टार्ट करनी है, जब तक कि आपकी उसमें दो लाइनें कम्प्लीटली पॉजिटिव नहीं आ जाती, मतलब जो LH सर्च को शो नहीं कर देती। 28 डेज का साइकिल है तो आपको LH किट से टेस्टिंग जो है वो 11वें दिन से स्टार्ट करनी है। अगर कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि हमें साइकिल्स जो है वो फिक्स नहीं है, कभी 28 डेज से आता है, कभी 30 डेज से, कभी 32 डेज से, मतलब 2-3 डेज या 4 डेज ऊपर नीचे होता रहता है, तो उस कंडीशन में हम एडवाइस करते हैं कि जो आपका शॉर्टेस्ट साइकिल है जैसे कि 28 डेज है उससे आप जो है कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब आप 11वें दिन से LH किट से टेस्ट जो है स्टार्ट करेंगे। अगर आपको साइकिल्स बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हैं तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। थर्ड स्टेप आता है कि आपको किट से जो यूरिन टेस्ट करना है वो किस टाइम पर करना है। तो LH किट टेस्टिंग जो है वो कभी भी हम मॉर्निंग सैंपल से एडवाइस नहीं करते हैं, नॉर्मली बेटर रहता है कि आप आफ्टरनून या इवनिंग में 12 से 8 के बीच में टेस्ट करें, क्योंकि LH हार्मोन का लेवल जो है वो इसी ड्यूरेशन में इंक्रीज होता है। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप कि आपको ये टेस्ट करना कैसे है। मेडिकेशन का किट बॉक्स जो होता है उसमें 5 टेस्ट किट्स होती हैं। ये किट्स बिल्कुल जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं उन्हीं के सिमिलर होती है। जब आप किट को ओपन करते हैं तो उसमें दो चीज़ें निकलती हैं, एक ड्रॉपर होता है और एक प्रॉपर टेस्ट स्ट्रिप होती है। जो टेस्ट स्ट्रिप होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो राउंड वेल होता है जिसमें कि आपको यूरिन डालना होता है, और दूसरा एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है। जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है उस पर दो मार्किंग्स होती हैं, एक सी लिखा होता है और एक टी लिखा होता है। सी का मतलब है कंट्रोल और टी का मतलब है टेस्ट। कंट्रोल जो है ये जो एक ऑलरेडी फिक्स्ड कंट्रोल वैल्यू होती है वो होती है, और ये हमेशा आपको पिंक लाइन के रूप में शो होती है। तो जब भी आप यूरिन कलेक्ट करते हैं आप ड्रॉपर की हेल्प से 2 से 3 बूंद जो है राउंड वेल में डालेंगे। जैसे जैसे यूरिन जो है टेस्ट स्ट्रिप पे फ्लो होता है तो सबसे पहले कंट्रोल लाइन पिंक आती है और उसके बाद में वो टेस्ट स्ट्रिप लाइन पर जाता है। आपको जो टेस्ट का रीडिंग है वो 3 से 5 मिनट के बाद में करना होता है। स्टेप 5 होता है कि इस टेस्ट को रीड कैसे करेंगे। तो रीडिंग भी बहुत सिंपल है, अगर आपको कंट्रोल और सी लाइन दोनों में से कोई लाइन नहीं दिखती है इसका मतलब वो टेस्ट स्ट्रिप ख़राब है और आपको उसी समय दूसरी टेस्ट स्ट्रिप काम में लेनी है। अगर आपको सी लाइन डार्क दिखती है और टी लाइन की जगह कुछ नहीं दिखता, मतलब केवल एक लाइन दिखती है, इसका मतलब अभी तक LH सर्ज नहीं हुआ है और आपको नेक्स्ट डे ये टेस्ट रिपीट करना है। अगर आपको सी लाइन फुल डार्क दिखती है और टी लाइन आपको लाइट पिंक दिखती है, इसका मतलब ओव्यूलेशन के लिए LH सर्ज जो है वो होने वाला है बट अभी तक हुआ नहीं है, तो इस केस में भी आपको ये टेस्ट नेक्स्ट डे रिपीट करना होता है। जब आपको सी लाइन और टी लाइन दोनों ही पूरी तरह से डार्क पिंक दिखती है, इसका मतलब अब LH सर्ज हो चुका है, तो आपको ये टेस्ट अब नेक्स्ट डे नहीं करना है। और आपका क्योंकि LH सर्ज हो गया है तो अब हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसके 24 से 48 घंटे में आपको ओव्यूलेशन होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रेगनेंसी का प्लान करना है। तो इस तरीके से हम LH किट जो है उनको यूज़ करते हैं। LH किट जो है हमारे को ओव्यूलेशन टाइम जो है एग्जैक्ट उसको मालूम करने में हेल्प करते हैं। इस तरीके से हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस को ये इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।